जो लॉकडाउन का दौर हमने देखा, कोरोना की जो समस्याएं हमने देखी और उससे खड़ी हुई तमाम चुनौतियों से लड़कर आज हम इस मुकाम पर हैं जहां पर कल वो दिन है जिसका सभी को लगभग पिछले एक साल से बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, कल से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आप सभी से एक एक करके मैं ये जान लूं कि जो पिछला एक साल बीता है कितनी चुनौतियां रही, कैसे उसको आप पार कर पाए और अब यहां से राह कितनी आसान होती हुई नजर आएगी। डॉक्टर वीके सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कैसा रहा ये पूरा महीने या पूरा एक साल लगभग गुजर चुका है, कितनी चुनौतियां रही, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा? तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जी, मंडल का इकलौता L3 हॉस्पिटल था। ये पहला मंडल, एक ही मंडल है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो हम मार्च से हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था और अप्रैल से पेशेंट आने शुरू हो गए थे। पूरे साल हम लोगों ने, इस अभी तक हम लोगों ने 4016 पेशेंट देख चुके हैं और उसमें से 3700 ज़्यादा पेशेंट अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं यहाँ से ठीक होके। कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं बट वो अगर आप देखें तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उस कंपेरिजन में काफ़ी कम हैं। और इस बात की कई बार तारीफ मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे अपर मुख्य सचिव रंजीत दुबे जी ने काफ़ी तारीफ करी है कि तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो वाकई ये साल बहुत चुनौती भरा था क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जिसमें पेशेंट तो परेशान था ही जो इन्फेक्टेड था, लेकिन जो भी स्टाफ जो उसको मैनेजमेंट में लगा था, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वार्ड बॉय स्वीपर हों, नर्सिंग स्टाफ हों, सबके लिए चुनौती भरा था क्योंकि उनको भी ये डर था कि कहीं इन्फेक्शन हमें ना लग जाए। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि तकरीबन हमारे यहाँ लगभग 150 स्टाफ इन्फेक्ट हुए हैं जब जो देखभाल में, मरीजों की देखभाल के दौरान, और उसमें से तकरीबन 40 से 45 लगभग डॉक्टर भी थे। तो काफ़ी चुनौती भरा रहा हमारे लिए, पर्सनली भी काफ़ी चुनौती भरा रहा, हमारे परिवार वालों के लिए चुनौती भरा रहा क्योंकि उनको भी एक ऐसा था कि जैसे हम युद्ध के मैदान पे गए हैं और जब वहाँ पे जाएंगे तो मतलब खतरा है, इन्फेक्शन हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ऐसे माहौल में काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन और उसी को सफलतापूर्वक यहाँ तक आप लेकर आए। उम्मीद है आगे भी जो तमाम चुनौतियाँ होंगी उसी जज्बे के साथ आप उसे पार करेंगे। जी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी अलग अलग कमेटियाँ बनी हैं और जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आएंगी उसके हिसाब से सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने स्तर पर कोशिश करेंगी कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जहाँ तक तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमने ये पॉलिसी आने से पहले ही कुछ बिंदुओं को अपने स्तर पर लागू कर दिया था। जैसे इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। जी, कहने का मतलब है कि जो बच्चा हमारे पास आता है उसको केवल एक नैरो फोकस्ड, रिस्ट्रिक्टेड और रेजिमेंटेड डिग्री दी जाती है और उसका जो गहन अध्ययन केवल एक पर्टिकुलर जी सब्जेक्ट से ही होता है। तो उसको ओवरकम कम करने के लिए हमने मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पिछले सत्र से ही शुरू कर दी थी। ये प्राइवेट स्तर पर ही प्रयास होते हैं, क्यों नहीं सरकारी स्तर पर हो पाते हैं, या फिर उसमें बीच में कोई तालमेल चल रहा है, कोई नई नीति की बात? देखिए, सरकारी स्तर की अपनी कुछ कमियां हैं और या कुछ बाध्यताएं इस तरह की हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी आ जाती है और उनका रूप और स्वरूप बहुत बड़ा होता है, उसकी वजह से काफ़ी आपस में विभिन्नताएं भी बहुत हैं। तो इसको लागू करने के लिए इतना सरल नहीं है जितना एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप सोचते हैं फ्यूचर की जी, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज में क्या फ्यूचर खराब करने की सोचते हैं? खराब की बात नहीं, फ्यूचर की ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप किसका फ्यूचर खराब की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी, सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्राइवेट संस्थान जो है, अच्छा पूरी करें जल्दी से, मैं बात कर रहा हूँ कि अगले 10 साल में अब मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कहाँ होगी, उसकी बात कर रहा हूँ जी। तो जब मैं वो बात कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट अपने आप उसी दिशा में जाएंगे ना। बिल्कुल रघुवीर जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि सर ने कहा और आपने भी कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी, इनका संस्थान पिछले कुछ सालों में जो ताना बाना बुना गया और उसमें जैसा उदाहरण भी उन्होंने दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज फैक्ट्री बंद करके लोगों ने उसमें कॉलेज खोल दिया, उसका परिणाम क्या आपने देखा? और पिछले कई सालों से
उसकी वजह से ही बहुत निराशाजनक स्थिति है युवाओं में। आपकी यूनिवर्सिटी का फोकस क्या है और उसको कैसे आप सिनेरियो को आगे बढ़ा रहे हैं, खासतौर से मुरादाबाद के उन बच्चों के लिए या बाहर के बच्चे जो आपके संस्थान से जुड़ते होंगे आकर, कि एक प्रोफेशनल कोर्स ना सिर्फ वो कराया जाए बल्कि उसका उतना ही परिणाम भी तुरंत कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मिले फोकस्ड एरिया में। पिछले कुछ सालों का ब्यौरा अगर हम उठाकर देखें तो 2-3 सेक्टर की पढ़ाई और उसी का एक बूम सा आया और उसमें इतने लोग जुड़ गए कि फिर वहां पर वो सिर्फ जुड़े उसका उनको नतीजा नहीं मिला। नए सेक्टर कौन कौन से आप लोगों ने चुने हैं, नई सरकार के दौर में चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, बहुत सारे सेक्टर्स को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उससे जोड़कर कौन से शिक्षण कोर्सेज आप करा रहे हैं? सचिन जी, पहले अतुल मैं आपको एक सॉरी अतुल जी, जी। मैं आपको ये बता देता हूं कि एजुकेशन का मतलब क्या है। हम एक्चुअली समझते हैं कि इस वर्ड को, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं श्री सुरेश जी जैनसी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि हर विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से निकले वो डिग्री लेकर ना जाए बल्कि वो इम्प्लॉयबिलिटी उसकी हो, स्किल्ड हो ताकि उसको दर दर ठोकरी नहीं खानी पड़े, वो अपने जीवन की जो यथार्थ है उसको अच्छी तरह से फेस कर सके, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब मैं वर्ड एजुकेशन को अगर मैं देखता हूं तो लेटिन वर्ड है ये, इसका मतलब है एडुकेयर, कहने का मतलब है कि अंदर जो हमारे है उसको बाहर लाना, दैट मींस पोटेंशियल को बाहर लाना जी, राइट। अब पोटेंशियल को बाहर लाने की जब बात कर रहा हूं तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, दैट इज माइंड सोल एंड बॉडी, माइंड सोल एंड बॉडी, दैट इज हार्ट हैंड एंड हेड, राइट। तो अब होता क्या, जो डिग्री हमने जो डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी का आप उठा के देख लीजिए, डिग्री का बहुत ही संकीर्ण रूप है, इतने कोर्सेज होंगे, इतने घंटे पढ़ाई जाएगी, सिखाया जाएगा कि नहीं उसमें नहीं है। टीचिंग इज मोर फोकस्ड, लर्निंग हैज नो प्लेस अनफॉर्चुनेटली जी, राइट। तो जिस तरह का कैरिकुलम डेवलप किया जाता है वो कैरिकुलम केवल एक छोटा सा पार्ट जो हेड का है उसको यूज करने के उपलक्ष में आपको। अब रघुवीर जी, आपने एजुकेशन की एक परिभाषा बताई, मैं कंप्लीट कर दूं, आप कंप्लीट भी करिएगा, लेकिन मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो कि मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने इसी प्रदेश में वो सरकार भी देखी, वो दौर भी देखा है जब कहते थे कि 99% आपको लाना है, हर हाल में लाना है, और उसके लिए हम सरकार के तौर पर आपको कुंजी देंगे, 22 देंगे, 25 देंगे, जिस तरीके की भी गाइड होती थी। तो वहां पर फोकस यही रहता था कि परसेंटेज आने चाहिए और डिग्री मिलनी चाहिए। ये व्यवहारिक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, बाकी आपने एडुकेयर समझाया लैटिन वाला, उससे मैं सहमत हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मैं इसी बात में कितना बदलाव आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है। देखिए, ये जो बदलाव है, मार्क्स, वी आर ए मार्क्स फोकस्ड सोसाइटी, गलत भी नहीं है। क्यों, अगर आपको एक सरकारी कॉलेज, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मार्क्स चाहिए, आपको सरकारी नौकरी लेना है तो मार्क्स चाहिए, तो ये परिवर्तन कहां पर आएगा, ये सरकार की नीतियों के द्वारा ही परिवर्तन होगा। दे हैव टू फाइंड, जी पहले क्या हो रहा था, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं हो रहा था कैंडिडेट को, राइट, इसकी वजह से उन्होंने मार्क्स पे डिपेंड कर दिया। ठीक है, तो अब हर आदमी जो मार्क्स के पीछे भाग रहा है, लेकिन उससे सर्वांगीण जो, तभी तो नौकरी उससे दूर भाग रही है, मार्क्स तो मिल गए, नौकरी भाग गई, क्योंकि क्वालिटी और स्किल तो क्वालिटी नहीं आ पाई ना, सर्वांगीण विकास तो नहीं हुआ ना। तो हमारा जो फोकस है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में सर्वांगीण विकास के ऊपर है। जब मैं सर्वांगीण विकास की बात करता हूँ एजुकेशन की, 3 इंपॉर्टेंट अंग उसके होते हैं, डोमेन जिसको हम कहते हैं जी। पहला डोमेन है कॉग्निटिव, जो अपने दिमाग से रिलेटेड है, दैट मींस एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, राइट। दूसरा है आपका अफेक्टिव, दैट मींस हार्ट रिलेटेड, आपकी जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, और तीसरा साइकोमोटर्स, जिसको हम स्किल्स कहते हैं, एबिलिटी टू डू, आपको कार्य करने की क्षमता सीखनी है कि नहीं है। अगर जब तक ये तीनों चीजें बैलेंस नहीं होगी किसी भी एजुकेशन सिस्टम से, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में काम करें चाहे बाहर, दे विल फाइंड देमसेल्व्स इनएडिक्वेट। इसी से जोड़कर एक छोटा सा सवाल कि इस टारगेट को लेकर और इस पद्धति को लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसका आपको खुद परिणाम, आपकी यूनिवर्सिटी को क्या मिला, एक मोटा मोटा अगर फिगर आप बता सकें कि हाँ ये हमने गोल टारगेट किया था और उसको अचीव करने में इतना आगे बढ़े हैं। हम इस विषय पे कॉन्शियसली, जिसको कहते हैं ना जी जी, वो पिछले 3 साल से इसके ऊपर अग्रसित हैं। सबसे पहला हमने आउटकम बेस्ड एजुकेशन हमारी यूनिवर्सिटी में लागू किया। आउटकम का मतलब है
आपके एजुकेशन के कंप्लीट करने के 3 साल बाद में आप क्या प्राप्त करेंगे, दैट मीन्स आउटकम्स क्या होंगे। डिग्री आपके आउटकम नहीं है, ठीक है, आप सीखेंगे क्या, सीखेंगे नॉलेज अकेली नहीं है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेता हूँ, उसको क्या मैं एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में रख सकता हूँ, क्या मैं उसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको, तो सफलता मिल रही है आप लोगों को, हमें सफलता मिल रही है, बच्चों में से बच्चों में कमा रहा है, अलग तरह की जिज्ञासा शुरू हो रही, बिकॉज क्लासरूम के अंदर जो होता था उसको हमने कंप्लीट चेंज किया, वी कॉल इट एक्सपीरियंस रियल लर्निंग, दैट मींस एक्चुअली टीचिंग जो जिसको हम कहते हैं वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो चाहे वो क्लासरूम के बाहर हो। आप जब आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं लेसन प्लान की, नो, लेसन प्लान इज नॉट गुड इनफ, इट हैज टू बी अ लर्निंग प्लान। नाउ लर्निंग कैन बी विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब रघुवीर जी फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत संक्षेप में, समय अब नहीं रह गया है, मैंने आपसे पहला ही सवाल लिया था वहीं और उसी पर मेहंदी साहब ने आखिरी जवाब दे दिया कि हमने कुछ नई चीजें शुरू की हैं कोर्सेज के हिसाब से, इसकी ही जरूरत थी, क्योंकि मैंने लॉ का जब इनसे जिक्र किया तो एक उदाहरण जो कि जीवित उदाहरण है मेरे लिए, मैं खुद जब वकालत की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि वकालत पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं बताओ वो तो पढ़ रहे हो, तुम करोगे क्या आगे, और क्या कर रहे हो जीवन जीने के लिए, और क्या कर रहे हो। ये स्थिति आ गई थी वकालत की 90 से लेकर 2000 तक के दशक के बीच की अगर हम बात करें तो, हालांकि पहले से बहुत अच्छा कोर्स था, आगे भविष्य में अब उसको कॉर्पोरेट से जोड़ा गया तो और अच्छा है, वो बेहतर है, उसमें बहुत सारे विकल्प युवाओं के लिए हैं, लेकिन और तमाम तरह के कोर्सेज जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का योगदान। देखिए हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, मेडिकल से, पैरामेडिकल से, लॉ है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, मैनेजमेंट के भी बहुत से कोर्सेस, बच्चे से जुड़ना है, उनके अंदर उत्साह आ रहा है, उत्साह ट्रेडिशनल कोर्सेज से अलग हटकर आ रहे हो, बता रहा हूँ ना, उत्साह करना पड़ता है कि आप अगर बच्चे को ये सोचते हैं कि इट इज एन एम्प्टी पैकेट आई वांट टू फिल इट जी, राइट, अगर आप वैसा सोचते हैं तो उत्साह नहीं आएगा, आपको बच्चे को केयर देना पड़ेगा, इसलिए लाइक जैसे आप एक छोटे से बीज है, मान लीजिए किसी भी फ्रूट का, उसको आप बोते हैं तो आप ये नहीं कहते हाँ अब मैंने तेरे को बो दिया और तू बड़ा हो जा और फ्रूट देना, नो, उसका बहुत डीपली केयर करना पड़ेगा एक किसान को, बिल्कुल बिल्कुल, उसका पानी, टेम्परेचर, हवा, हर तरह की चीज जो उसको चाहिए वो देनी पड़ेगी, तो एजुकेशन वही है एग्जैक्टली। जब तक आप वो नहीं देंगे बच्चे के अंदर की जो प्रतिभा है वो नहीं निकल के आएगी, राइट, तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट को क्या चाहिए, जहां हमें काम करना है कॉर्पोरेट कहीं पर भी, हम कहते हैं उसमें टी शेप्ड एम्प्लॉई या टी शेप्ड पीपल होना चाहिए। टी शेप्ड का मतलब क्या है, राइट, टी शेप जो टी का जो आई है वो बिल्कुल लंबा है, दैट इज इन डेप्थ नॉलेज एंड स्किल्स इन गिवन डोमेन, एक पर्टिकुलर जैसे लॉ की बात करिए आप, क्या मेरे अंदर उसकी इन डेप्थ नॉलेज है, के फिर वो दो अंग है टीके, आप देखिए दोनों तरफ, बिल्कुल, वो है आपके जो क्लोज बाय डोमेन है उनकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या आप ह्यूमन से डील करना जानते हैं क्या, बिल्कुल, तो आपकी सॉफ्ट स्किल अगर आपने नहीं सीखी है दैट मीन अप्लाई नहीं किए यू विल नॉट सक्सीड इन रियल लाइफ, बिल्कुल राइट, उससे रिलेटेड भाई आप अगर जब वकालत कर रहे हैं कोर्ट के अंदर आपको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, शब्दों में समेट दूं सर समय नहीं है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत अच्छा इन्होंने कहा, लेकिन पढ़ाई के आगे भी देखिए क्लास के अंदर और क्लासरूम के बाहर होता क्या है, बच्चा कितना इन्वॉल्व है करने में या वो सुनने में है, सुनने से कुछ नहीं होगा, जो आदमी सुनेगा दैट वो तो आप देखेंगे 6 महीने बाद में सब भूल जाएगा, बिल्कुल, लेकिन करता क्या है वो जिंदगी में कभी नहीं बोलता, साथ करना शुरू करना तो प्रैक्टिकल होता जाएगा। दो चीजें मैं दो चीजें बहुत संक्षेप में बता दूं, सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए एंस्टीन, उन्होंने क्या कहा एजुकेशन क्या है, उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में क्या, एजुकेशन वो है जो बच्चा एग्जामिनेशन में लिखने के बाद में सब कुछ भूल जाता है, जो उसके पीछे रह जाता है वही एजुकेशन है, क्या रह जाता है पीछे, उसने किया क्या है, किया क्या, सीखा क्या है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि एजुकेशन का मतलब है टू डेवलप थिंकिंग, सोच को बड़ा करना। तीसरी बात उन्होंने कही
समथिंग विच इज वर्थ लर्निंग कैनॉट बी टॉट, जो सिखाने लायक है उसको सिखाया नहीं जा सकता, बच्चे को खुद सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सीखने में उस बच्चे का है, उसके परिवार का है, उसके दोस्तों का है और इंस्टीट्यूशन का है।